यार दो ही कलर दिया है और कलर नहीं दे सकते थे रहा मेरा सफेद चलो चलो जल्दी से अपनी रेड स्केच पेन घिस दो हे माई क्यूरी टू माई चैनल आज की वीडियो अगेन बहुत ही ज्यादा फन है क्योंकि हम करने वाले हैं एक्सपेरिमेंट तो मैंने अमेजोन से एक और किट ऑर्डर कर ली है जो आज हम अनबॉक्स करेंगे और उसके बाद उसको क्रिएट करेंगे इट्स गोना बी फन तो क्या बोलती है पब्लिक फटाफट पट से अनबॉक्स किया जाए छोटी अनबॉक्स किया जाए मुझे तो पता है इसमें क्या है तुम्हें इसमें क्या है बताओ अच्छा क्या है स्लाइम तो, तो हम ऑलरेडी बना चुके हैं इसमें है फ्रिज मैग्नेट, बिकॉज आई एम डैम एक्साइटेड तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते है और इसको अनबॉक्स करते हैं लेट्स डू दिस तो ये रहा मैग्नेट और तो यहाँ पे कॉम्पोनेट दिए हुए हैं कि इसके अंदर क्या-क्या तो हमें मिले हैं शेल्स और हमें मिले कटआउट जो कि ये हैं और हमें मिला है एक फेविकॉल एक मैग्नेट शीट मिली हुई है दो सैंड मिला है और एक मैनुअल मिला है डब्बा देख के लग रहा है सामान काफी थीम बेस्ड है तो ये रहे फोर डिफरेंट शेप्स एंड साइज के शेल्स और हमें मिले सिक्स डिफरेंट कटआउट एंड नेक्स्ट वी हैव फोर कलर्ड सैंड एक फेविकॉल और एक और मैग्नेट शीट चलो यार काफी चीजें तो है देखते हैं हम क्या कलाकारी करते हैं वैसे इन्होंने जो बनाया है ना हम सेम तो नहीं बनाने वाले मुझे ये सब इंस्पिरेशन देख के सैटिस्फेक्शन नहीं मिलती क्योंकि मुझे अपना खुद का क्रिएट करना होता है तो इनसे हटके बनाएंगे कुछ बहुत डिफरेंट नहीं बनाएंगे मटेरियल्स तो यही यूज करेंगे बट कुछ थोड़ा सा अलग मटीरियल भी यूज कर लेंगे तो क्या चला जाएगा यार क्या चला जाएगा गया हमको साथ ही मिल गया चलो एक्स्ट्राज भी लेके चलते हैं सो लेट्स टेक दिस एंड चलो बेटा तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और शुरू करते हैं <laughs> तो आज हम 6 नहीं सिर्फ 5 करेंगे और जो एक स्टार फैशन है ना, वो शॉर्ट वीडियो में करेंगे सबसे पहले ब्लू यूज करूंगी येलो ओके लेट्स यूज येलो सो फर्स्ट कॉम्बिनेशन हम लेंगे येलो एंड पर्पल का व्हाट्स ए आओ देखते हैं ठीक है तो हमारे पास पर्पल सैंड तो नहीं है इसलिए हम ओहू यूज करेंगे ये तुमने छोटी हाँ इसी बात में मेरी आर्मी किधर हो जल्दी से अटेंडेंस लगवा दो कमेंट सेक्शन में और अब सारे व्हाइट में मैं ग्लू यूज कर रही हूँ हम स्प्रिंकल करने वाले हैं येलो कलर की सैंड वैसे तो आई डोंट लाइक फेविकॉल को मुझे हाथ से छूना नहीं पसंद है बट स्प्रिंकल करना इसलिए इसको स्प्रेड करना पड़ेगा एंड हियर कम्स द मोस्ट सेटिस्फाइंग एंड माई फेवरेट पार्ट स्प्रिंकल करते जाओ और नीचे झटकते जाओ जो, जो भी एक्स्ट्रा सैंड होगी वो निकल जाएगी और जो ग्लू पे होगी वो चिपक जाएगी चिपक अरे यार छोटी तुम एपिक हो तो सेंटर में मैं एक शेल ग्लू करने वाली हूँ बिकॉज सैंड लगा था इसलिए मैं बीस सेवन थाउजेंड ग्लू यूज कर फिर छोटा सा मैग्नेट का पीस कट करके उसको भी पीछे ग्लू कर देंगे क्या बात है पर्पल एंड येलो तो रेडी है कैसा लगा mm, मुझे ना ओवरऑल इसका यू नो कलर कॉम्बिनेशन काफी अट्रैक्टिव सा लग रहा है काफी क्यूट सा है पर्पल एंड येलो छोटी ना? ना दीदी। हाँ क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा नहीं भरना था जैसे इस डब्बे में ना पूरा शेल शेल भरा हुआ है जो वैसा नहीं करना था इसलिए मैंने बस बीच में एक शेल लगा दिया एंड ओवरऑल मुझे ये काफी क्यूट लग रहा है ओके सो नेक्स्ट हम बनाएंगे ब्लू एंड येलो कलर का हम इस बार कोई -हु -हु कलर यूज नहीं करने वाले हैं हम दोनों सैंड यूज करने वाले है कार्पेट इफेक्ट आ रहा है सैंड से और बहुत सैटिस्फाइंग है तो चलो देखते हैं कैसा लगेगा तो ऊपर जितने भी डिविजन है उसमें हम ऑल्टरनेट कलर फिल करने वाले हैं तो सबसे पहले मैं यूज करूंगी ब्लू बिकॉज पिछले वाले में हम येलो यूज कर चुके हैं ओ हो ब्लू भी काफी अच्छा लग रहा है यार ये थोड़ा सा वैसा नहीं लग रहा है रंगोली कलर टाइप का हाँ वैसे रंगोली कलर भी तो सैंड सोल्ट मार्बल बुरादा इन्हीं सब का तो बनता है चलो चलो अदिति जल्दी से येलो भी करो ऐसी छोटी गंदी बात है जल्दी जल्दी नहीं भागते वी शुड आल्सो एंजॉय द प्रोसेस ठीक है रिजल्ट मैटर करता है बट प्रोसेस को भी बहुत ज्यादा इंजॉय करना चाहिए ये तो अभी से ही मुझे कॉम्बिनेशन काफी अच्छा लग रहा है मतलब हाँ अफकर्स यार येलो एंड ब्लू का कॉम्बिनेशन तो यू नो वर्ल्ड वाइड फेमस है तो इसमें मैं यूज कर रही हूं एक्स्ट्रा प्रोडक्ट दैट इज हाफ कट बीट जो हमें किट में नहीं मिला था बट ये जो शंक वाला एरिया है ना आउटर तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि व्हाइट करूंगी तो ज्यादा अच्छा लगेगा बट व्हाइट एमपी छोड़ना अच्छा नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे व्हाइट कलर के पर्ल्स लगा रही हूँ और मेरे आजू बाजू बड़े वाले ही दिख रहे थे अगर थोड़े छोटे बीट्स होते ना तो काफी फाइन एंड माइन्यूट लगता बट ये भी अच्छा लग रहा है चलो लास्ट प्रोसेस बचा है पीछे साइड हमें मैग्नेट ग्लू करना है और हमारा येलो एंड ब्लू का कॉम्बिनेशन रेडी है इट्स रेडी और यहाँ पे मैंने बीज यूज कर लिया है जो कि काफी यू नो शंक वाला जो एक्चुअली शंक है ना हाँ तो उसमें काफी शंक वाली वाइब आ रही है तो मुझे ऐसा लगता है मैंने यहाँ पे पर्ल्स लगा के यू नो समझदारी वाला काम किया मुझे तो ऐसा लगता है आप कमेंट में बताओ कि क्या ये सुंदर लग रहा है और ये कार्पेट इफेक्ट भी काफी क्लासी सुंदर लग रहा है भाई साहब तो ओवरऑल आई लव दिस तो पहला वाले में हमने येलो साइड यूज कर ली सेकेंड में येलो एंड ब्लू दोनों यूज कर ली थर्ड वाले में हम फिर से सिर्फ ब्लू यूज करने वाले हैं so, तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना डार्क ब्लू एंड लाइट ब्लू का कॉम्बिनेशन किया जाए चलो ट्राई करें थर्ड है माई फेवरेट टाइप ऑफ शेल मुझे ये वाला शेल बहुत पसंद है तो चलो जल्दी से पहले लाइट ब्लू कलर करना स्टार्ट करते हैं तो क्यूट लग रहा है हाँ छोटी बस फाइनल आउटकम भी इसी तरह क्यूट होना चाहिए सो कलर ऑलमोस्ट डन चलो जल्दी से ब्लू लगाना स्टार्ट करते हैं और फिर सैंड स्प्रिंकल भी तो करना है आई एम रियली रियली वेरी एक्साइटेड फॉर दिस कॉम्बिनेशनोर्स छोटी शुरू तो होना ही बिकॉज इसको जल्दी से जल्दी कम्पलीट करके अपने क्राफ्ट एरिया को डेकोरेट भी तो करना है अच्छा, हाँ, एक प्रो टिप देना चाहूंगी जो मैं हाथ से स्प्रेड कर रही हूँ ना फेविकोल आप चाहो तो ब्रश से कर लो ताकि आपके एजेस बहुत ज्यादा स्मूद आए और इस बार मैं लंबे वाले शेल्स यूज करी और नीचे क्यूँकी ऑलरेडी सैंड लगा हुआ था इसलिए मैं बी सेवन थाउजेंड ग्लू यूज करी ताकि सारे के सारे शेल्स ना एकदम अच्छे से चिपक जाए इवन मैं पीछे मैग्नेट ग्लू करने के लिए भी बी

फिर ब्लू हो गया अब वापस हम यूज करेंगे येलो और इस बार येलो के साथ मैं सोच रही हूं रेड यूज करें रेड रेड विल लुक गुड चलो करते हैं रेड एंड येलो का कॉम्बिनेशन अच्छा तो है सनसेट वाला जब आप सीनरी देखो तो कितना भी अच्छा लगे क्यों टेंशन ले रही तुम कर रही ना तो अच्छा तो लगेगा अभी से क्या समझाया था रिजल्ट ठीक है नो डाउट मैटर करता है बट द जर्नी एंड द प्रोसेस मैटर्स द मोस्ट और इस बार फाइन शेल्स यूज हूं तो क्या बोलती है पब्लिक कैसा लगेगा पब्लिक बोलती है की रिजल्ट करेक्ट छोटी और देखो हम एंजॉय करते करते बनाए तो ये कितना सुंदर बना है लास्ट में को अच्छे से लगाना मत बड़े वाले शेल्स इतने नहीं पसंद आते हैं। चलो मैं उनको ना अभी जो बचेंगे उनको इंग्स वगैरह में यूज कर लूंगीर्स बट जो फाइन शेल्स होते हैं ये बहुत अट्रैक्टिव होते हैं ये मतलब थोड़ा सा पेबल्स वाला भी लुक दे रहा है काफी क्यूट लग रहा है काफी सेटिस्फाइड हूँ मैं इस वाले मैग्नेट uh, से तो ठीक है लेकिन अभी विनर डिक्लेयर नहीं करेंगे तो येलो हो गया येलो ब्लू हो गया ब्लू हो गया येलो हो गया लास्ट ऑफ कोर्स क्या होगा ब्लू ना चलो फिर ब्लू के साथ हम ट्राई करते हैं पिंक और ये है आज के वीडियो का लास्ट शेल मैंने ना ओहू के सेट से एकदम छाट के क्यूट वाला पिंक निकाला है ये वेरी क्यूट पिंक अच्छा वैसे किसको किसको हाथ में फेविकोल लगाना पसंद है क्योंकि ना आयुषी दी को तो बहुत पसंद है शायद उसमें भी कुछ अलग टाइप का सेटिस्फेक्शन मिलता होगा वैसे स्टेशनरी प्रोडक्ट होते ही है यार ऐसे यार पिंक कलर करने के बाद ना मेरे हाथ में खुजली हो रही की मैं इसमें येलो सैंड डाल दूँ क्यूँकि येलो एंड पिंक का काफी अच्छा कॉम्बिनेशन बनता बट मम्मा ने बोला नो 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 go with blue mm -hmm. तो चलो फिर मम्मी की बात कैसे टाल सकते हैं लेट्स गो विद ब्लू एंड लेट्स बिगिन अरे नहीं आ दी तो मैं येलो डालना चाहिए था अच्छा छोटी तुम इतनी जल्दी अभी से कैसे डिसाइड कर सकती हो पहले देखो तो कैसा लग रहा है

नहीं दूंगी मम्मा मैं आपको लास्ट नहीं दूंगी <laughs> फिर चलो हमारे पास जो मैग्नेट्स रेडी हो गए एक बार मैं आपको साथ में दिखाती हूँ फिर मिलके डिसाइड करेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ हमारी फर्स्ट क्रिएशन येलो एंड पर्पल फिर है ब्लू एंड डार्क ब्लू एंड देन येलो एंड रेड फिर है येलो एंड ब्लू और लास्ट में ब्लू एंड पिंक चलो फटाफट जल्दी ऐसी पहले आप कॉमेंट में बता दो की आपके लिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ कौन सा है फिर मैं बताती हूँ दिस इज फर्स्ट ऑफ This is the winner. Huge round of applause. second है हमारे ये प्यारे शंख वैसे शंख ये भी है ना हाँ सब शंख है सब शेल्स है, of course. सब शेल्स है. <laughs> और थर्ड है मेरे लिए पर्पल एंड येलो और फोर्थ है डार्क ब्लू एंड लाइट ब्लू आप समझ हाँ ना फिफ्थ <laughs> <laughs> यार बहुत वियर्ड लग रहा है एक्चुअली पिंक एंड ब्लू का कॉम्बिनेशन अच्छा होता है बट ये ना थोड़ा सा डार्क ब्लू है इज नॉट गोइंग विद पिंक पिंक फिफ्थ है एंड ब्लू सॉरी मैंने बहुत सोचा यार इसको शिफ्ट कर दू फोर्थ में बट ये जो फोर्थ है उसके साथ इनजस्टिस हो जाता तो आई एम सो सॉरी बट कोई बात नहीं यार इतने भी बुरे नहीं हो फिफ्थ ही तो हो क्या चाहता है जैसे <laughs> है तो ये फ्रिज मैगनेट बट चलो इनको अपने पैक बोर्ड में लगा के देखते हैं पैक बोर्ड तो भरा पड़ा है बट मैं सोच रही हूँ ये वाली लेयर खाली कर दू और यहीं पे फिर थोड़ा सा यू नो फ्लॉन्ट कर लू मैग्नेट्स जो बनाया है लेट्स डू दिस together.

वीडियो so यहीं पे खत्म करते हैं सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना